गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेव टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल इंदौर के रेसिडेंसी क्लब में यानी कि 28 सितंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य मौजूद थे। वे यहाँ से खंडवा के लिए रवाना हुए जबकि दिल्ली से इंदौर आए हुए थे। लाल सिंह जी मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं और उनकी टीम में इंदौर के जांबाज भाजपा नेता प्रताप खरोसिया जी को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया है। एक और कद्दावर नेता भाई सूरज केरो भी उनके साथ थे। रेसिडेंसी कोठी में मुझे लाल सिंह जी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। पेश है उस बातचीत के प्रमुख अंश। 85% जिलों का गठन भी हो गया है, 75% मंडलों का गठन भी हो गया है। सभी प्रदेशों में हमारी प्रदेश कार्य समिति बन चुकी है। 26 प्रांतों में मेरा प्रवास भी हुआ है। पूरी टीम पूरी सक्रियता के साथ लगी हुई है। आने वाले समय में 30 तारीख को हर प्रांतीय मुख्यालय पर नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस की जो 21 दिन है उसके तहत अनुसूचित जाति का सशक्तिकरण सम्मान और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इस विषय पर प्रदेश मुख्यालय पर संगोष्ठी है। उसके बाद 7 तारीख तक लगातार जिलों में संगोष्ठियाँ होंगी जिसमें विधायक पूर्व विधायक सांसद वगैरह मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करने जाएंगे। 2 तारीख को हमने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने घोषणा की है कि सभी कार्यकर्ता हम बापू महात्मा गांधी जी की जयंती पर खादी भंडार पे खादी जरूर खरीदने जाएं। तो हमने मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है खादी खरीदने जरूर जाएं। 20 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, हम मंडल स्तर तक मनाने का काम करेंगे कि हमने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति में घोषणा की है। इसके बाद फिर 26 नवंबर को संविधान दिवस है, वो हम जिला मुख्यालय तक करेंगे और प्रतिमाओं का सम्मान करेंगे, अनुसूचित जाति की जो प्रतिमा उनका सम्मान करेंगे। शेष हमारे मंडल और जिला रह गए हैं, इनको पूरा और मतदान केंद्र तक बूथ तक की टीम बनाने का काम हम दिसंबर के अंत तक पूरा कर देंगे कि हमने अपने हाथ में संगठनात्मक लक्ष्य लिया है। जिन प्रांतों में चाहे वो राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड छत्तीसगढ़ हो चाहे पंजाब हो, जहाँ अनुसूचित जाति के ऊपर केरल अनुसूचित जाति के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बाद दो दो तीन दिन बाद रिपोर्ट दर्ज होती है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के सरकारों का अपराधियों को संरक्षण है। दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान में इतने गैंगरेप की घटना हो रही है लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जाने की फुर्सत नहीं है। अनुसूचित जाति की बहन बेटियों के साथ कांग्रेस के राज्यों में बलात्कार होता है, गैंगरेप होते हैं, तो भीम आर्मी को भी जाने की फुर्सत नहीं है। समाजवादी पार्टी के भी वो वामपंथी लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कोई घटना हो जाए तो वो कहीं ना कहीं आग लगाने का काम करते हैं। जबकि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में डकैत समस्या समाप्त हो गई है, मध्य प्रदेश में डकैत समस्या समाप्त हो गई है, उत्तर प्रदेश में डर भय और शोषण का माहौल समाप्त हो गया है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। इसके बावजूद भी बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने के लिए कोई कसर कांग्रेस वामपंथी नहीं छोड़ रहे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को संगठन विस्तार की दृष्टि से मोर्चा फ्रंट लाइन पर है। 5 राज्यों में चुनाव है और मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, यहाँ भी मोर्चा पूरी ताकत के साथ पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।